खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से, जहां आज जिलाधिकारी मिर्जापुर को ज्ञापन देते हुए छोटे और मध्यम वर्गीय व्यवसायियों ने जिलाधिकारी से अपने हक का न्याय मांगा है। पीड़ितों का कहना है कि हम सभी पीढ़ियों से सैकड़ों की संख्या में पटरी पर नियमित रूप से अलग अलग फल, सब्जियां, खाद्य सामग्री एवं रोजमर्रा जरूरत की सामान बेचकर किसी प्रकार से अपनी आजीविका अर्जित कर परिवार के साथ जीवन यापन करते हैं। महामारी के इस बुरे वक्त में स्थानीय प्रशासन हम छोटे व्यवसायियों को व्यवसाय करने से रोक रहे हैं, जिससे हम सभी की भूखे मरने की नौबत आ गई है। आखिर महामारी के इस मुश्किल वक्त में भी हम गरीब मेहनत कश पर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? प्रशासनिक कर्मचारी हम रोज कमाने वाले खाने वाले लोगों का रोजगार छीनकर सिर्फ ना हमारे मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि देश के कानून के रक्षक खुलेआम कानून की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। ज्ञापन देते हुए इन व्यवसायियों ने कहा है कि हमें अपने अधिकार का पूरी तरह से लाभ दिया जाए और हम लोगों का उत्पीड़न हमेशा के लिए बंद किया जाए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए गौरव विश्वकर्मा की रिपोर्ट। लगातार कई वर्षों से लड़ने के बाद 9 सितंबर 2013 को बने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बने 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय कानून आजीविका का संरक्षण पर विक्रय अधिनियम, उसके बाद भी लगातार पटरी व्यवसायियों को जीविका पे उनके जीवन पे जिस जीविका के बल पर उनका जीवन है, इस लॉकडाउन के कार्यकाल में भी इस तरीके से सुझाया जा रहा है, जो कि इस कानून में कहा गया है कि टाउन वेंडिंग कमेटी बना के इनको संरक्षित करके इनको जगह अलाट किया जाए और वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन बनाया जाए। मतलब दुर्भाग्य है कि आज तक यहाँ टाउन वेंडिंग कमेटी भी इलेक्टेड नहीं बन पाई। हम यही माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करते कि इस जिले के मालिक हैं वो, इस जिले के सबसे बड़े मुखिया हैं, और अगर वो उनके नाक के नीचे इस केंद्रीय कानून का उल्लंघन होगा तो ये शर्म की बात है। और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार की मंशा के अनुरूप भी ये है कि इन लोगों को इस लॉकडाउन में 1000 रुपये महीना और निःशुल्क राशन मिले, और पैसा मिलने को कौन कहे, निःशुल्क राशन मिलने को कौन कहे, इनको इनके रोजगार से बुझाया जा रहा है। यही हम लोग मांग करते हैं कि इनको उनको संरक्षित किया जाए, क्योंकि यह पटरी व्यवसाय इस देश की रीढ़ है और इन लोगों के GDP में भी बहुत बड़ा योगदान है और 10,000 करोड़ से ऊपर प्रतिदिन का टर्नओवर है। आप समझ सकते हैं कि रोजमर्रा जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। हम लोग इनके संरक्षित के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करें कि इनको संरक्षित करें। मेरा नाम मनीष सिंह, एडवोकेट, मैं नेशनल हॉकर फेडरेशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ।